एमएस धोनी के कप्तानी पद से हटने के बाद विराट कोहली ने भारतीय टीम की कमान संभाली। हालांकि कप्तान के रूप में कोहली के कार्यकाल के दौरान भारत किसी भी बड़ी आईसीसी ट्रॉफी को जीतने में नाकाम रहा, लेकिन टीम ने विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखा। अपनी टीम के साथियों में आत्मविश्वास जगाने से लेकर अपने खिलाड़ियों के लिए खड़े होने तक कोहली ने कप्तानी की भूमिका को खूबसूरती से निभाया। हालांकि सीनियर टीम में प्रवेश करने से पहले कोहली ने खुद को जूनियर स्तर पर एक कप्तान के रूप में खुद को साबित किया था। अंडर 19 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने और जीतने से पहले उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी दिल्ली का नेतृत्व किया था। एक इंटरव्यू में कोहली ने खुलासा किया कि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने कई गलतियां की हैं और उन्हें इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह टीम की बेहतरी के लिए किया। कोहली ने कहा, मुझे यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि जब मैं कप्तान था तो मैंने कई गलतियां की, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। मेरा एकमात्र लक्ष्य टीम को आगे ले जाना था। असफलता होती रहेगी, लेकिन इरादे कभी गलत नहीं थे। कोहली ने लेट देयर बी स्पोर्ट के एक एपिसोड में ये बातें कही। इसे फैंस डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। कोहली भारतीय टीम का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने टीम की कमान छोड़ दी है। रोहित शर्मा वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। कोहली वर्तमान में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग सीजन का हिस्सा है। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं। विराट ने 2021 आईपीएल के बाद आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी थी। हालांकि इस सीजन में उन्होंने कुछ मैचों में फाफ डुप्लेसिस की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाली। मौजूदा सीजन में कोहली ने 11 मैचों में 42 की औसत से 420 रन बनाए थे। आईपीएल 2023 में उनका स्ट्राइक रेट अब तक 133.76 का है।